किचन मास्टर, आज मैं बनाऊंगी बतासा। तो बतासा बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम चीनी लिया है, छोटा सा पॉकेट इनो का लिया है। तो मैं दो चीजों से आज बतासा बनाऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी तैयार कैसे करेंगे? भारी तले के बर्तन ले, हल्का ना ले। अगर आप हल्का लेंगे तो जल्दी से आपका चाशनी ठंडा हो जाएगा। तो मैं 150 ग्राम चीनी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम पानी। तो मैं चीनी और पानी को सही से मिलाऊंगी। तो चलिए अब गैस को जला लिया जाए। तो देखिए दोस्तों, इसको गैस पे रख के छोड़ना नहीं है, इसे बराबर हाथों से ऐसे ऐसे चलाते रहना है। आप रख के छोड़ देंगे तो नीचे से पिंदी में से चिपक जाएगा, तो चाशनी का कलर भी खराब हो जाएगा। तो देखिए अभी मेरा चाशनी तैयार नहीं हुआ है, मात्र 2 मिनट हुआ है। 3 मिनट में चाशनी तैयार होता है। और दोस्तों 3 तार के चाशनी बनाना है। तो देखिए मैं एक बर्तन में चेक कर ले रही हूँ, अगर जम गया तो समझिए जी मेरा चाशनी तैयार है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ इनो। तो इनो मैंने 2 चुटकी लिया है, ज़्यादा इनो का इस्तेमाल नहीं करना है। 150 ग्राम चीनी में मैंने 2 चुटकी इनो लिया है। तो देखिए ऐसे इनो डालकर आप सही से मिक्स कर लीजिए। तो जो ऊपर जो झाँक आ रहा है ना, तो इसी से बतासा तैयार होगा। अगर झाँक नहीं बन रहा है तो आप समझिए कि आपका बतासा सही नहीं बन पाएगा। तो देखिए बर्तन में साइड साइड से चीनी चिपकने लगा, आपको दिख रहा है ना। तो अब फटाफट आप बतासा बना लीजिए, अगर छोड़ देंगे तो वापस से ये जो चाशनी है चीनी बन जाएगा, तो बतासा नहीं बन पाएगा। तो देखिए गर्मा गर्म तुरंत फटाफट डाल दें, थोड़ा भी लेट करेंगे तो ये जम सकता है। तो देखिए मेरा बतासा तैयार हो गया है। तो अगर आप छोटा बतासा बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही छोटे छोटे बनाएं, बड़ा भी बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। तो मैं अभी छोटा छोटा बना रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी बड़ा भी बनाकर। तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा दिख रहा है, लेकिन अभी सूखा नहीं है, अभी सूख जाएगा 1 मिनट में। मुश्किल से 3-4 मिनट में बतासा तैयार हो जाता है। तो देखिए आराम आराम से निकल जा रहा है। तो इस बर्तन में मैं घी भी नहीं लगाई हूँ, ये चिकना है इसलिए आराम आराम से निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप चाहे तो बतासा लक्ष्मी पूजा के लिए बना सकते हैं, चाहे गोवर्धन पूजा के लिए भी। तो देखिए कितना परफेक्ट बना है मेरा बतासा। अब मैं बड़े बतासा बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसमें मक्खन लगा ले रही हूँ। तो दोस्तों आप घी भी लगा सकते हैं, तो इसलिए घी इसमें लगाना जरूरी है कि जो चिकना नहीं है। देख ही रहे हैं आप, इसमें कटोरी में थोड़ा डिजाइन है, तो अगर नहीं लगाएंगे तो कहीं चिपक जा सकता है, इसलिए मैं लगा ले रही हूँ। तो दोस्तों मैं इसमें बड़ा बतासा बनाऊंगी। अब मैं चाशनी तैयार कर रही हूँ 150 ग्राम जो चीनी मैंने बचाया था ना उसका। तो देखिए दोस्तों अगर आप चाहे तो इसमें कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई कलर वगैरह का इस्तेमाल नहीं की हूँ, मुझे सादा ही बतासा पसंद आता है। तो देखिए अभी फैल रहा है, अभी नहीं तैयार हुआ है, तो अभी 1 मिनट और पकेगा। जब ये झाग बनना तैयार हो जाए सही से, देखिए अब हमारा जो है बतासे जैसा चिपक गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी इनो। तीनों डालकर आपको सही से मिक्स करना है, ये नहीं कि फटाक से इनो डालकर और नीचे उतार ले, नहीं, अच्छे से झाँक नहीं बनेगा तो अच्छे से बतासा नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं डाल रही हूँ कटोरी में, तो इसमें से बतासा बिल्कुल गोल गोल निकलेगा, बड़ा बड़ा। तो आपको बड़े बतासा बनाना है तो बिल्कुल ऐसे ही करें, अगर छोटा बनाना है तो जैसे मैं पहले बनाई हूँ वैसे बनाइए। तो देखिए दोस्तों
अभी ये सूखना शुरू हो गया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 2 मिनट, तो आप देख सकते हैं ये सूख गया है। अब मैं इसको निकाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा बना है। तो आप ऐसे ही आराम से अपने घर पे बनाइए और अपने पूजा में प्रसाद के रूप में रखिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा मेरा बतासा दिख रहा है। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितना आराम से टूट गया है।